नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो कुमारी माँ होती है, जो शादी के बिना बच्चे को जन्म देती है, उसकी दुश्वारियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, किस जिल्लत से उसको जीना पड़ता है। लेकिन वो जिस बच्चे को जन्म देती है, उसके आगे भी राह कोई आसान नहीं होती है। उसे कोई नाजायज़ कहता है तो कोई इसे बिन बाप की औलाद कहता है। नाजायज़ शब्द मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता जब किसी बच्चे के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। और बिना बाप की औलाद, बिना बाप की औलाद तो हो ही नहीं सकती। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि औलाद के लिए आज के ज़माने में टेक्निक इतनी ज़्यादा हो गई है कि पिता की ज़रूरत नहीं है। माँ चाहे तो बिना पति के, बिना बच्चे के, पिता के, वो बच्चे को जन्म दे सकती है। उसे चाहिए तो सिर्फ एक टेक्निक की ज़रूरत, बाकी और उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये सब चीज़ें आपसे क्यों कह रही हूँ, मैं आज आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि केरल हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मैंने आपको ये क्यों कहा कि बिना शादी के एक कुंवारी माँ के लिए दुश्वारियाँ क्यों होती हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें ये कहा है कि किसी इंसान को अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में पिता का नाम नहीं लिखने का पूरा अधिकार है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, उसको अपने पिता का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आइडेंटिटी अपनी माँ के साथ भी वो बता सकता है। कोर्ट ने यह आदेश अविवाहित माओं और रेप विक्टिम के बच्चों के साथ होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुनाया है। अपने निर्देश में कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पेरेंट्स के रूप में केवल और केवल माँ के नाम वाला सर्टिफिकेट जारी किया जाए। और कोर्ट के जो जस्टिस हैं कुन्ही कृष्णन, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत के कर्ण का जन्म, हम नहीं चाहते कि एक ऐसा समाज हम बनाएं जिसमें कर्ण ना हो, क्योंकि कर्ण के जीवन को लेकर के कई सारी कहानियां हैं जो आपको पता ही है, जो अपने जीवन को कोसते हैं, अपने माता पिता का नाम नहीं जानने के लिए उन्हें अपमान का सामना करना पड़े, ऐसा कोई भी बच्चा वो अपने समाज में नहीं चाहते। इसके बाद कोर्ट ने बर्थ सर्टिफिकेट से पिता के नाम को हटाने और पेरेंट्स के रूप में सिर्फ माँ का नाम वाले सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। अविवाहित माँ के बच्चे के पास भी मौलिक अधिकार है। और कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि हर अविवाहित माँ का बच्चा हमारे देश का एक अच्छा नागरिक है, कोई भी उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं कर सकता, उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। इन अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान में दी गई है। वह केवल अविवाहित माँ का ही नहीं बल्कि इस महान देश का भी बच्चा है, संतान है। उसकी निजता, गरिमा, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार को कोई अथॉरिटी कम नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट उनके अधिकारों की रक्षा भी करेगा, ये भी उन्होंने साथ में कहा है। और निजता के अधिकार को अपनी नज़र से देखें, ये भी उन्होंने कहा जस्टिस कुन्ही कृष्णन ने, कि ऐसे व्यक्ति की मानसिक पीड़ा की कल्पना ठीक उसी तरह करनी चाहिए जैसे कोई अपनी प्राइवेसी में, अपनी निजता में दखल देता है। हालांकि कुछ मामलों में ये एक जानबूझ करके किया गया कदम होता है, जबकि कुछ में ये गलती से हो जाता है, लेकिन राज्यों को नागरिकों के सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, वरना उन्हें अकल्पनीय मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार के एबीसी बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी मुख्य रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ को पत्र भेज करके निर्देश दिया है कि सिंगल पेरेंट्स का नाम बर्थ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा।
स्पेशल डिमांड पर दूसरे पेरेंट्स के नाम का कॉलम छोड़ दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड और जो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें केवल माँ का नाम शामिल करना एक व्यक्ति का अधिकार है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है केरल हाई कोर्ट का जो उन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूं कि दो दिन पहले ही इसी कोर्ट ने एक 13 साल की बच्ची जो लगभग 30 महीने की गर्भवती थी उसको अबॉर्शन करने के लिए भी स्वीकृति दी थी। हालांकि ये हो सकता है कि वो जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, वो उसको जन्म भी दे सकती है। उस पर हमने एक चर्चा भी की थी और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये जो बच्चा है इसको ऑपरेट करके या किसी भी तरीके से डिलीवर कराया जा सकता है, वो उस स्टेज में है कि वह जिंदा रह सकता है। और आज ये इतना बड़ा फैसला अपने आप में सच में बहुत महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि कुंवारी माँ की दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा होती है और जिस बच्चे को वो जन्म देती है उसके भी रास्ते कम आसान नहीं होते हैं। उससे बार बार पूछा जाता है तुम्हारा पिता कौन है, तमाम कहानियाँ हैं, तमाम फिल्में बन चुकी हैं इस सब्जेक्ट पे। लेकिन अब वो दिन आ चुके हैं जब इन पे ऐसी कहानियाँ बनेगी। हालांकि बहुत सारी कुंवारी माँ हैं जो बहुत गर्व से जी रही हैं, जिनमें सबसे पहले नीता गुप्ता का नाम आता है जिसने मसाबा को जन्म दिया और बहुत गर्व से वो अपनी बेटी के साथ रह रही है। बेटी बहुत अच्छा कर रही है, माँ भी बहुत अच्छा कर रही है। और देखिए उसने कितना बड़ा डिसीजन लिया था और आज अब कोर्ट उसी तरीके की डिसीजन ले रहे हैं। क्या कहते हैं दोस्तों आप? मैं जानना चाहूँगी कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।